हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल दैट इज एजे अपग्रेडिंग ईयर। आज हम देखेंगे लास्ट पॉइंट ओके इन अ फंडामेंटल सिक्योरिटी। लास्ट जो पॉइंट था हमारा जो बाकी है 6.4 द एडिशनल कंसिडरेशन फॉर एन सिक्योरिटी। ओके दिस सेशन प्रोवाइड अ चेकलिस्ट ऑफ इशू एंड गाइडलाइन दैट रिलेटेड टू क्लाउड सिक्योरिटी। फंडामेंटल क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर हमने देखा था कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिक्योरिटी पर्पज, सिक्योरिटी मेजर्स हमने देखे इसके अंदर। तो सेम उसके अकॉर्डिंगली जो एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर्स जो हमें कंसिडर करने चाहिए ओके ये हमने लिस्टेड किए फॉर एन सिक्योरिटी। तो लिस्ट आपके सामने देर आर 4 डिफरेंट कंसिडरेशन। फर्स्ट द फ्लॉड इम्प्लीमेंटेशन, सेकेंड द सिक्योरिटी पॉलिसी डिस्पैरिटी, थर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट, फोर्थ अ रिस्क मैनेजमेंट। ओके इन 4 नंबर ऑफ चीज़ें हमें देखने हैं यहाँ पे। सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। इफ किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बाकी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें फॉर एन मोटिवेशन, तो उसके अकॉर्डिंगली हम जो नेक्स्ट वीडियो अच्छे से और बना सकते। सो लेट्स स्टार्ट करते हमारे वीडियो को। तो फर्स्ट इसके अंदर कंसिडरेशन हमने क्या दे सकते, फ्लॉड इम्प्लीमेंटेशन। ओके तो फ्लॉड इम्प्लीमेंटेशन मीन्स व्हाट, कि जैसे कि डायग्राम्स आपको शो हो रहा है कि जैसे कंज्यूमर 1, कंज्यूमर 2, कंज्यूमर 3 एंड नंबर्स ऑफ कंज्यूमर्स यहाँ पे हम क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करते। तो सिमिलर इसके में से जैसे कि द सब स्टैंडर्ड डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन क्लाउड सर्विस डिप्लॉयमेंट कैन हैव अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस एंड बियॉन्ड द रन टाइम एक्सपेक्टेशन एंड फेल्यूअर। ओके इन अ रन टाइम, जैसे कि जितने भी नंबर्स ऑफ कंज्यूमर्स है जहाँ पे हम हमारी क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनमें से एक स्पेसिफिकली वन क्या हो सकता है, अदर अटैकर हो सकता है या जो आपकी जो वीकनेस होगी आपके ऑपरेशन के रिलेटेड तो उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। इफ अ क्लाउड प्रोवाइडर ऑफ ए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर a security flaw and operational weakness, attacker can exploit this vulnerability to impair an integrity, configuration and availability of the cloud provider IT resources and the cloud consumer IT resources hosted by a cloud provider. जो होस्ट किया है हमने, कि क्लाउड प्रोवाइडर ने जो होस्ट किया है यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हम, तो उस के अकॉर्डिंगली उसके थ्रू एक स्पेसिफिकली अटैकर क्या कर सकता है, क्लाउड सर्विस को एक्सेस कर सकता है एंड जो भी फ्लॉ उसको आपके कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो फ्लॉ होगा, वल्नरेबिलिटी होगा या वीकनेस होगा उसके अकॉर्डिंगली जो भी अटैक परफॉर्म करना होगा वो अटैक यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है। ओके देन डायग्राम क्या सजेस्ट करे, क्लाउड कंज्यूमर ए is a message to trigger a configuration flaw in a cloud service A, which is a turn called a virtual server that also hosting a cloud service B and cloud service C. कि if कोई भी एक consumer ने यहाँ पे attack perform किया या जो attacker है उसने कोई भी consumer से attack perform किया but जो virtual server impact हो रहा है okay जिसको harm हो रहा है और सिमिलर और वर्चुअल सर्वर नंबर्स ऑफ अदर क्लाउड कंज्यूमर भी एक्सेस कर रहे हैं। तो इफ एक क्लाउड कंज्यूमर ने अटैक परफॉर्म किया तो बाकी के भी यहाँ पे डीएक्टिवेट हो सकता है या उनको भी जो नंबर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइड हो रही है, होस्ट हो रही है, तो यहाँ पे स्टॉप हो सकता है। तो दैट इज नथिंग बट अ फ्लॉ इम्प्लीमेंटेशन। फ्लॉ इन द सेंस जो कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग्स होती है, वल्नरेबिलिटी होगी उसको एक्सप्लॉइट करेगा अटैकर। ओके देन नेक्स्ट इसके अंदर देखते सेकेंड दैट इज नथिंग बट अ सिक्योरिटी पॉलिसी डिस्पैरिटी। ओके इन द सिक्योरिटी पॉलिसी डिस्पैरिटी व्हेन अ क्लाउड कंज्यूमर प्लेस द आईटी रिसोर्सेस विद एन पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर इट मे नीड टू एक्सेप्ट इट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अप्रोच मे नॉट बी आइडेंटिकल और इवन सिमिलर टू द क्लाउड प्रोवाइडर। यहाँ पे जैसे कि जो नॉर्मल पब्लिक क्लाउड हम यूज करें या पब्लिक क्लाउड की जो भी सिक्योरिटी मैकेनिज्म होगा सबके को पता होगा, सभी को उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, तो उसके अलावा एक्स्ट्रा एडिशनल सिक्योरिटी मैकेनिज्म हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी पॉलिसी एड ऑन करनी पड़ेगी, दैट इज नथिंग बट अ सिक्योरिटी पॉलिसी डिस्पैरिटी।
Okay, this is then compatibility needs to be assessed to ensure that the data and other IT asset being relocated to be a public cloud protected. In the public cloud के ऊपर जो भी हमने numbers of IT resources या assets रखे यहाँ पे सिक्योरी होनी चाहिए. तो उस पर्पज के लिए जो नॉर्मल सिक्योरिटी है प्लस हम क्या करेंगे एक्स्ट्रा एडिशनल सिक्योरिटी यहाँ पे ऐड करेंगे. ओके, दिस इज अ प्राइमरी बिकॉज द दोस आईटी रिसोर्सेज आर स्टिल लीगली ओन बाय द क्लाउड प्रोवाइडर एंड कंटिन्यू फॉल अंडर इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो क्लाउड प्रोवाइडर है जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी नंबर्स ऑफ डेटा हम यहाँ पे पास करें उसको सिक्योरिटी होनी चाहिए. ओके, और वो कोई भी उसका डेटा यहाँ पे थिप या जस्ट लाइक जो अवेलेबिलिटी रिलायबिलिटी कॉन्फिडेंशलिटी इंटीग्रिटी यहाँ पे लॉस नहीं होनी चाहिए. ओके, ये हो गया सब सिक्योरिटी पॉलिसी डिस्पैचर. देन नेक्स्ट इसके अंदर सेम दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट जो लीगली टर्म्स एंड कंडीशन हम एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम कंज्यूमर टू प्रोवाइडर. यही चीजें इसके अंदर होने वाले. द क्लाउड कंज्यूमर नीड टू केयरफुली एग्जामाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड SLA टू पुट अ फोर्थ बाय द क्लाउड प्रोवाइडर टू इंश्योर दैट द सिक्योरिटी पॉलिसी एंड अदर रिलेवेंट गारंटीज आर सेटिस्फाई वेन इट इज कम अ एसेट सिक्योरिटी. कि हमें क्या करना है यहाँ पे कि जो भी नंबर्स ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स कॉन्ट्रैक्ट में दिए गए या जो भी बाकी के जो गारंटीज इंश्योर दिए प्रोवाइड किए तो सभी चीज़ें है क्या नहीं. ओके, देयरफॉर देयर अ नीड टू बी अ क्लियर इंग्लिश एंड दैट इंडिकेट द अमाउंट ऑफ लाइब्रेरी अज्यूम बाय द क्लाउड प्रोवाइडर एंड ऑल द लेवल ऑफ द क्लाउड प्रोवाइडर मे आस्क फॉर. कि जैसे कि कौन से लेवल तक वो लैंग्वेज होनी चाहिए या कौन से लेवल तक वो सिक्योरिटी होनी चाहिए ये सभी चीज़ें आपके कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट द SLA सर्विस लेवल एग्रीमेंट के अंदर होने वाली है. तो दैट इज नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर एन कम्युनिकेशन पर्पज अ क्लाउड एंड कंज्यूमर. कि जो टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने डिफाइन किए होंगे या रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई किए होंगे तो उन दोनों के बीच में होगा दैट इज नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट. देन लास्ट इसके अंदर हम देखेंगे दैट इज अ रिस्क मैनेजमेंट. ओके, सो रिस्क क्या होते है? रिस्क इज नथिंग बट एक स्पेसिफिकली इंसिडेंस ऑकर हो सकता है आपके नॉर्मल सिस्टम के अंदर. सो दैट इज नथिंग बट अ रिस्क. तो उसको किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं उसके लिए कुछ प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं. तो दैट इज नथिंग बट अ रिस्क मैनेजमेंट. ओके, वेन एक्सेसिंग अ पोटेंशियल इम्पैक्ट एंड चैलेंजेस टू अ क्लाउड एडॉप्शन. कि हमें क्लाउड को एडॉप्ट करना है तो उस पर्पज के लिए कौन कौन से इम्पैक्ट या चैलेंजेस क्लाउड के ऊपर आ सकते हैं तो सभी चीज़ें हम कंसिडर करेंगे क्लाउड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर. द क्लाउड कंज्यूमर्स आर इनकरेज टू परफॉर्म अ फॉर्मल रिस्क असेसमेंट एज द पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी. ओके, सो फॉर्मल रिस्क असेसमेंट इन द सेंस कौन कौन से वे हो सकते हैं या कौन कौन से डिफरेंट काइंड ऑफ यहाँ पे रिस्क ऑकर हो सकते हैं तो वो सभी चीज़ें हम रिस्क असेसमेंट के अंदर करेंगे. ओके, जनरली देर आर द मेन टर्म्स जो हम डिस्कस करने वाले दैट इज रिस्क असेसमेंट रिस्क ट्रीटमेंट एंड रिस्क कंट्रोल. ओके, ये थ्री नंबर्स ऑफ एक्टिविटी हम यहाँ परफॉर्म करने वाले फॉर एंड रिस्क मैनेजमेंट. इट इज एन साइक्लिक एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस आर यूज टू एनहांस अ स्ट्रेटजी एंड अ सिक्योरिटी ऑफ अ रिस्क मैनेजमेंट इट्स कॉम्प्रोमाइज अ सेट ऑफ ओवरसी एंड कंट्रोलिंग अ रिस्क. ओके, विद एन साइक्लिक डायग्राम हम यहाँ पे देखेंगे तो वह साइक्लिक मैनर ऑन गोइंग प्रोसेस ये थ्री नंबर्स ऑफ एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म होने वाले हैं रिस्क असेसमेंट रिस्क ट्रीटमेंट एंड रिस्क कंट्रोल. ओके, सो वन बाय वन देखते हैं कि क्या होता है इसके अंदर. तो फर्स्ट इज नथिंग बट अ रिस्क असेसमेंट. इन अ रिस्क असेसमेंट स्टेज द क्लाउड एनवायरनमेंट इज एनालाइज टू आइडेंटिफाई अ पोटेंशियल वल्नरेबिलिटी एंड अ शॉर्ट
अपकमिंग दैट द थ्रेड्स कैन एक्सप्लॉइट, कि इसके अंदर कौन कौन से नंबर्स ऑफ वल्नरेबिलिटी हो सकती है एंड थ्रेड उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है. तो ये सभी चीज़ें रिस्क असेसमेंट के अंदर होंगी. देन द क्लाउड प्रोवाइडर कैन आस्क टू प्रोड्यूस अ स्टैटिस्टिक एंड अदर इंफॉर्मेशन दैट अबाउट अ पास्ट अटैक, जो प्रीवियस नंबर्स ऑफ अटैक हमारे सिस्टम के अंदर हुए, ओके, सिस्टम के ऊपर, ओके, जो सक्सेसफुल हो सकते हैं, अनसक्सेसफुल होते हैं, लेकिन अटैक हुए हैं, तो सभी अटैक को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैरीड आउट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली जो भी सिक्योरिटी पैचेस हमें लगाने लगाए गए. द नेक्स्ट द आइडेंटिफाइड रिस्क आर द क्वांटिटिफाइड, ओके, क्वांटिटिफाइड एंड क्वालिफाइड अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस एंड द डिग्री ऑफ इम्पैक्ट इन रिलेशन टू हाउ द क्लाउड कंज्यूमर प्लान एंड यूटिलाइज द क्लाउड बेस्ड आईटी रिसोर्सेज. ओके, क्वालिटी बेस्ड एंड क्वांटिटी बेस्ड दोनों वे से कौन कौन से अटैक परफॉर्म हो सकते हैं, सभी नंबर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैरीड आउट करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो भी नंबर्स ऑफ चीज़ें हमें परफॉर्म करनी है सभी यहाँ पे परफॉर्म करेंगे. सो दैट इज नथिंग बट ऑल कवर इन रिस्क असेसमेंट. देन नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं दैट इज रिस्क ट्रीटमेंट. ओके, रिस्क को भी ट्रीट करना, हमें आइडेंटिफाई कर दिया कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, अब उसको किस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं, इन द सेंस मिटिगेशन पॉलिसी. ओके, मिटिगेशन पॉलिसी एंड प्लान आर डिजाइन ड्यूरिंग द रिस्क ट्रीटमेंट स्टेज विद द इंटेंट ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडिंग एट द रिस्क दैट वी आर डिस्कवरिंग ड्यूरिंग अ रिस्क असेसमेंट, कि जो नंबर्स ऑफ रिस्क हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है इन रिस्क असेसमेंट, उसको किस तरह से रिजॉल्व करना है, किस तरह से मिटिगेट करना है, ये सभी चीज़ें हम रिस्क ट्रीटमेंट के अंदर करेंगे. द सम रिस्क कैन बी इलिमिनेटेड, अदर कैन बी मिटिगेटेड, कि कुछ ऐसे रिस्क है कि जो हम सॉल्व नहीं कर सकते, बट कुछ नंबर्स ऑफ रिस्क हम यहाँ पे मिटिगेट या सॉल्व कर सकते हैं. द क्लाउड प्रोवाइडर इटसेल्फ में एग्री टू इंश्योर द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, कि इफ कॉन्ट्रैक्ट के अलावा या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितने भी नंबर्स ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म होते हैं तो उसकी सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाउड प्रोवाइडर लेगा, बट कुछ चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट के बाहर के जैसे कोई रिस्क आ जाए तो उसके लिए क्लाउड प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा. ओके, देन लास्ट इस साइकिल में से हम देखेंगे दैट इज अ रिस्क कंट्रोल. ओके, द रिस्क कंट्रोल स्टेज इज रिलेटेड टू रिस्क मॉनिटरिंग. देयर आर द थ्री स्टेप प्रोसेस दैट comprise a survey related to event, review the event and to determine the effective prevention assessment and treatment and the identifying and policy adjustments is need. Depending on the nature of monitoring required, this stage may carry out a shared of क्लाउड प्रोवाइडर. क्लाउड प्रोवाइडर क्या करेगा, कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगा उस सिस्टम को कि नंबर्स ऑफ रिस्क किस तरह से ऑकर होते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा. ओके, देन अगेन गोस टू रिस्क असेसमेंट, न्यू कोई रिस्क होगी तो उसको मॉनिटरिंग या आइडेंटिफाइंग, ये सभी चीज़ें कंटिन्यूसली साइकिल में होने वाली हैं. कि इफ इस पूरे चैप्टर में से कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आपको होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. इफ आपको कोई एक्स्ट्रा और पॉइंट्स रिक्वायर्ड है या कोई चैप्टर के ऊपर आपको वीडियो रिक्वायर्ड है तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको बनाने का ट्राई करेंगे. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो.